नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 16 अगस्त, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। सीएम नीतीश ने स्वतंत्रता दिवस पर की बड़ी बड़ी घोषणाएं। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक विंदेश्वर पाठक का हुआ निधन। आज से चंद्रयान 3 की लैंडिंग की अहम प्रक्रिया की शुरुआत। देश भर में खुलेंगे 25,000 जन औषधि केंद्र। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की एशिया कप में वापसी पर राहुल द्रविड़ का संकेत। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीडीएल में जल्द होगी इन पद पर भर्तियां। बीडीएल ने कई पद पर भर्तियां निकाली है, जिनके लिए उम्मीदवार जल्द आवेदन कर सकेंगे। बता दें कि बीडीएल ने एक भर्ती अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार संस्थान में कई पद पर भर्तियां की जाएंगे। इस अभियान के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक साइट bdl-india.in पर जाकर 20 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इस अभियान के जरिए कुल 45 पद भरे जाएंगे। इनमें MT इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल आदि पद शामिल हैं। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से पदानुसार ग्रेजुएशन, MSc, MBA, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, डिप्लोमा होना चाहिए। वहीं वर्गानुसार 27, 28, 30, 31, 32 वर्ष तय की गई है। सीएम नीतीश ने स्वतंत्रता दिवस पर की बड़ी बड़ी घोषणाएं। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन किया गया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि अगले वर्ष तक सरकार 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य पूरा कर लेगी और साथ ही अगले साल तक 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि 3.62 लाख नए पद का सृजन किया गया और इन पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नियोजित शिक्षकों के संबंध में भी निर्णय लिया जाएगा और उन्हें सरकार से जोड़ने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। कम वर्षापात से जूझ रहे किसानों को आकस्मिक खेती के लिए निशुल्क बीज मिलेंगे। जिन जिलों में बारिश कम हुई है, वहां डीजल अनुदान की राशि बांटी जाएगी। राज्य भर में किसानों को 16 घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध करवाए जाएंगे। PMCH, DMCH के अलावा NMCH, SKMCH, ANMCH का भी विस्तार होगा। भविष्य में हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य है। बता दें कि इस अवसर पर विभागों की ओर से दिखाई गई प्रदर्शनियों में पहले नंबर पर कृषि विभाग की झांकी तो वहीं दूसरे नंबर पर जीविका और कला संस्कृति विभाग की झांकी और तीसरे नंबर पर नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग की झांकी शामिल है, जिन्हें पुरस्कृत किया गया है। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे राजा विशालकागढ़ के बारे में। वैशाली में राजा विशालकागढ़ एक जबरदस्त पहाड़ी है, जिसमें एक मंच पर्यटकों को आकर्षित करता है। पहाड़ी के किनारों पर टावर बने हुए हैं और एक नहर से घिरा हुआ है। कहा जाता है कि इस पहाड़ी का विशाल चरण राजा विशाल की संसद थी। इसमें 1 किलोमीटर और डिवाइडर की रूपरेखा है, जो 2 मीटर ऊंची है। यहां 43 मीटर चौड़ा चैनल भी है। यह जगह एक बार में 7,000 लोगों की कुल आबादी को समायोजित कर सकती है। राजा विशालकागढ़ के पास एक कोरोनेशन टैंक भी है और इस टैंक के पानी का इस्तेमाल राजा विशाल के समय के दौरान चुनिंदा प्रतिनिधियों को आशीर्वाद देने के लिए किया जाता था। स्टेट लेवल पर बिहार से इस खेल की हुई शुरुआत। गांव-गांव में खेला जाने वाला पिट्टो या पत्थर तोड़ खेल अब लागोड़ी के नाम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी खेला जाएगा। बता दें कि इस खेल की शुरुआत भारत सरकार के खेल मंत्रालय और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में की जा रही है, जो कि बेगूसराय से शुरू होगी। मालूम हो कि इसको लेकर लागोड़ी एसोसिएशन ऑफ बिहार के बैनर तले बेगूसराय में राज्य स्तरीय कार्यशाला एवं ट्रायल की शुरुआत हो गई है, जिसमें बेगूसराय समेत खगड़िया, सहरसा, सुपौल, जमुई, शेखपुरा, भागलपुर एवं छपरा जिले के सीनियर वर्ग के 75 बालक एवं 40 बालिका खिलाड़ी शामिल हुए। वहीं ट्रायल खत्म होने के बाद खिलाड़ियों को 1 सप्ताह का कैंप लगाकर विशेष रूप से जानकारी दी जाएगी और फिर 15 बालक एवं 15 बालिका खिलाड़ी का चयन 8 से 10 सितंबर तक हरियाणा में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए किया जाएगा। बता दें कि इस बात की जानकारी लागोड़ी खेल के राज्य संयोजक रणधीर कुमार के द्वारा दी गई है। आज से चंद्रयान 3 की लैंडिंग की अहम प्रक्रिया की शुरुआत। चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद की सतह पर लैंड कर सकता है। ऐसे में यह हफ्ता चंद्रयान 3 के लिए वैज्ञानिकों के अनुसार काफी महत्वपूर्ण पल है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आज यानी कि 16 अगस्त से चंद्रयान 3 के चांद की सतह पर लैंडिंग की अहम प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है, जबकि उसकी कक्षा को धीरे धीरे घटाना शुरू किया जाएगा। मालूम हो कि समाचार एजेंसी ANI के अनुसार लैंडिंग में कई इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिक पहलू हैं, जो सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग को अंजाम देंगे, जिनमें नेविगेशन सेंसर्स, गाइडेंस कंट्रोल सिस्टम जैसे
अहम पॉइंट शामिल हैं। इनके अलावा लैंडिंग रोवर से जुड़ी तकनीकी पर भी जोर देने का काम किया जाएगा। इसरो के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बीते 14 अगस्त को किए गए युद्धाभ्यास ने 150 किलोमीटर गुना 177 किलोमीटर के निकट गोलाकार कक्षा हासिल की है। अगले ऑपरेशन की योजना 16 अगस्त यानी कि आज लगभग 8:30 बजे बनाई गई है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक का हुआ निधन। बीते दिन सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने अपनी अंतिम सांस दिल्ली के एम्स में ली। दरअसल बीते दिन झंडोत्तोलन कार्यक्रम के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया, जहां उनका निधन हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनकी गिनती बड़े भारतीय समाज सुधारकों में की जाती है। इन्होंने वर्ष 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। इन्हें 1990 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। इनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दुख व्यक्त करते हुए कहा गया है कि डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी का निधन हमारे देश के लिए एक गहरी क्षति है। वह एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, जिन्होंने सामाजिक प्रगति और वंचितों को सशक्त बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। बिंदेश्वर जी ने स्वच्छ भारत के निर्माण को अपना मिशन बना लिया। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को जबरदस्त समर्थन प्रदान किया। हमारी विभिन्न बातचीत के दौरान स्वच्छता के प्रति उनका जुनून हमेशा दिखता रहा। उनका काम कई लोगों को प्रेरणा देता रहा। इस कठिन समय में उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं, शांति। इसके साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य नेताओं के द्वारा भी इनके निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की गई है। जिलों से ही होगा कोरोना अनुग्रह अनुदान का भुगतान। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह के द्वारा राज्य के सभी सिविल सर्जन को पत्र जारी कर यह जानकारी दी गई है कि कोरोना से हुई मौत मामले में दिया जाने वाला अनुग्रह अनुदान पर जिलों में गठित त्रिसदस्यीय समिति के द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि जारी किए गए पत्र में यह भी कहा गया है कि अन्य सभी लंबित मामलों, जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 वेरिफिकेशन के लिए तय किए गए मानकों के अनुरूप वह पाए जाए तो उसका भुगतान भी जिला स्तर पर किया जाएगा। कोरोना अनुग्रह अनुदान से संबंधित कोई भी मामला राज्य मुख्यालय के समक्ष नहीं जाएगा। मालूम हो कि स्वास्थ्य समिति की ओर से यह आदेश कोरोना मामलों से संबंधित इक्का दुक्का मामलों को आते देखकर जारी किया गया है। झारखंड में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच हुए मुठभेड़ में शहीद हुए भोजपुर के सपूत। झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा जिला के टोटा थाना के तुम्बा जंगल में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में बिहार के भोजपुर जिले के एक जवान शहीद हो गए। बता दें कि मुठभेड़ में शहीद हुए जवान गौतम कुमार भोजपुर के शाहपुर थाना के रंडाडीह गाँव के निवासी थे और वर्तमान में वे झारखण्ड के जगुआर में हवलदार के पद पर कार्यरत थे। इधर सपूत के शहीद की सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया। सगे संबंधियों के घर पर भीड़ जुट गई। सभी इस घटना से मर्माहत हो गए हैं। इस मुठभेड़ में एसटीएफ के एक दरोगा अमित कुमार और एक हवलदार गौतम कुमार दो के शहीद होने की सूचना है। मालूम हो कि गौतम को नौकरी उनके पिता की मौत के बाद वर्ष 2015 में बाल सिपाही के पद पर किया गया था। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे शील भद्र याजी के बारे में। शील भद्र याजी बिहार के एक कार्यकर्ता थे, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अहिंसक और हिंसक रूप से जुड़े थे। स्वतंत्रता आंदोलन में याजी की भागीदारी 1928 में शुरू हुई, जब एक छात्र के रूप में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में भाग लिया। वह 4 साल बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गए और किसान आंदोलन में शामिल हो गए। बाद में वह सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के साथ जुड़े। 1939 में वह बोस के साथ जुड़कर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इस दौरान वह INA आंदोलन से जुड़े। उन्हें 1939 में गिरफ्तार कर लिया गया और लाल किले में अलग कर दिया गया। वह 27 अप्रैल 1957 से 2 अप्रैल 1958, 3 अप्रैल 1958 से 2 अप्रैल 1964 और 3 अप्रैल 1966 से 2 अप्रैल 1972 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। याजी ने ए ग्लिम्स ऑफ द इंडियन लेबर मूवमेंट, फॉरवर्ड ब्लॉक एंड इट्स स्टैंड, इज सोशलिज्म ए नेसेसिटी टू इंडिया और ट्रू फेस ऑफ मोनोपोलिस्टिक अमेरिकन डेमोक्रेसी लिखी। भारत सरकार ने 28 जनवरी 2001 को उन पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। देश भर में खुलेंगे 25,000 जन औषधि केंद्र। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषणा करते हुए कहा गया है कि अब देश में बहुत जल्द ही आम लोगों के लिए सस्ता दवा खरीदना और सुलभ होने वाला है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही देश में
25,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। बता दें कि वर्तमान में इसकी संख्या 10 है, जिसे सरकार की ओर से आगे बढ़ाया जाएगा। बता दें केंद्र सरकार ने देश भर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की शुरुआत की है। इन जन औषधि केंद्रों के तहत देश में आर्थिक तौर से कमजोर वर्गों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध करवाई जाती है। यह मेडिकल स्टोर है जहां जेनेरिक दवाइयां सस्ते दामों पर उपलब्ध होती है। ये औषधि केंद्र निम्न वर्ग के परिवारों तक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराती है। गौरतलब है कि जन औषधि केंद्र कोई भी खोल सकता है, बशर्ते उसने योजना की सभी शर्तों को पूरा किया हो, उसे इसका लाइसेंस मिल सकता है। प्रदेश के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व के जिलों में बारिश के आसार। बिहार में इन दिनों मॉनसून की रफ्तार में कमी देखी जा रही है। विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश में बारिश होने की संभावना न के बराबर है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार गुरुवार से प्रदेश में मौसम एक्टिव होने की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार 16 अगस्त यानी कि आज प्रदेश के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व के जिलों में 1 या 2 स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं 17 अगस्त को लेकर जारी अपडेट में यह बताया गया है कि प्रदेश के दक्षिण के जिलों में 1 या 2 स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना है। वहीं विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। साथ ही प्रदेश के उत्तर पश्चिम के भागों में 1 या 2 स्थानों पर वज्रपात के साथ मेघ गर्जन की संभावना जताई गई है और 19 अगस्त को प्रदेश में मानसून के एक बार फिर से सक्रिय होने की संभावना जताई गई है। औरंगाबाद के शहीद जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा गांव। बीते दिन एक ओर जहां पूरा देश आजादी का दिन मना रहा था, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के औरंगाबाद के लाल शहीद जवान का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा उनके गांव पहुंचा तो सभी की आंखें नम हो गई। तिरंगे में लिपटे जवान के पार्थिव शरीर को देख पूरा परिवार चित्कार मारकर रोने लगा, तो वहीं आसपास के लोगों की आंखें में आंसू आ गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बीएसएफ जवान संजय कुमार दुबे की मौत, जो भारत पाक सीमा पर राजस्थान में तैनात थे, इब्राहिम की ढाणी और लंगतला के बीच वाहन दुर्घटना ग्रस्त हो जाने से हुई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार बटालियन के जवान वाहन में सवार होकर जैसलमेर से भारत पाक बॉर्डर की तरफ जा रहे थे, तभी यह हादसा घटित हुआ। गेहूं के बढ़ते दाम पर सरकार ने राहत देने के लिए किया ये काम। सब्जियों के बढ़ते दाम के बीच अब यह खबर निकलकर सामने आई है कि गेहूं के दाम पिछले 6 महीने में सबसे उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में अब इनकी कीमत पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की ओर से खुले बाजार में अतिरिक्त 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल बेचने की घोषणा की गई है। मालूम हो कि एक रिपोर्ट के अनुसार यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि गेहूं का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों के किसानों द्वारा सप्लाई ठप हो गई है। ऐसे में आटा मिल में गेहूं के पर्याप्त स्टॉक नहीं है। इन सबके साथ ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में गेहूं के कीमतों में अगर गिरावट नहीं होती है तो केंद्र सरकार के द्वारा इस पर लगने वाले इंपोर्ट पर ड्यूटी को खत्म किया जा सकता है। विपक्षी नेताओं से मुलाकात करने के लिए दिल्ली रवाना होंगे सीएम नीतीश। इन दिनों राजनीतिक गलियारों में वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज यानी कि 16 अगस्त को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहीं मालूम हो कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि भी है, इसलिए ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि सीएम नीतीश उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर भी जा सकते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं। इस दौरान सीएम नीतीश दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत विपक्षी गठबंधन के और नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। बता दें इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक के पहले यह मुलाकात काफी अहम बताई जा रही है। शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम पद के लिए बताया बेस्ट कैंडिडेट। बिहार के लाल और तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के द्वारा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बजाय बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बताया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को धूल चटा दिया था और 2024 में भी वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे, इसलिए वे प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं। यह देश के लिए बहुत अच्छा होगा कि ऐसे समय में जब हमारे पास राष्ट्रपति के रूप में एक महिला है तो वही प्रधानमंत्री के रूप में भी एक महिला ही हो। ममता बनर्जी जैसी तेज तर्रार नेता जिनके पास जनाधार है इस स्थिति में उपयुक्त रहेंगी। प्रधानमंत्री कौन होगा यह निर्णय उचित समय पर लिया जाएगा। झंडोत्तोलन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता हुए आमने सामने।
बीते दिन राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा गया था कि मोदी अगली बार लाल किले से झंडा नहीं फहराएंगे। वहीं अब उनके इस बयान पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता आमने सामने हो गए हैं। लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान के द्वारा लालू यादव के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा गया है कि हम वर्ष 2024 में पहले से प्रचंड बहुमत से आएंगे। जो भी सपना देख रहा है कि 2024 में प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा नहीं फहराएंगे, ये उनके गठबंधन की घबराहट छुपा रहे हैं। उनको डर है कि चुनाव तक उनका गठबंधन टिकेगा भी कि नहीं। उन्होंने कहा कि जो मोदी पर उंगली उठा रहे हैं, उनकी तरफ चार उंगलियां उठ रही हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा कहा गया कि लालू यादव खुद मुखिया का भी चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि वे चारा घोटाले में सजायाफ्ता हैं। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की एशिया कप में वापसी पर राहुल द्रविड़ का संकेत। बीते रविवार को फ्लोरिडा में वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम को 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए राहुल द्रविड़ के द्वारा विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल और धाकड़ बल्लेबाज श्रेयस अय्यर के फिटनेस को लेकर एक बड़ी जानकारी दी गई। दरअसल जब उनसे पूछा गया कि क्या भारतीय टीम एशिया कप में भी अपना प्रयोग जारी रखेगी, जिस पर राहुल द्रविड़ द्वारा कहा गया कि हमारे कुछ खिलाड़ी हैं जो चोट के बाद वापसी कर रहे हैं, ऐसे में हम उन्हें मौका देंगे। एशिया कप के बारे में हमने अभी वास्तव में ज्यादा कुछ नहीं सोचा है। 23 अगस्त से जब बेंगलुरु में टीम का कैंप लगेगा तो उसी समय हम अपनी सारी रणनीति बनाएंगे। ऐसे में अब उनके इस बयान से यह आशंका जताई जाने लगी है कि एशिया कप में केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की वापसी हो सकती है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। नई दिल्ली में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 2010 में A.R. रहमान के रचित थीम गीत को स्वीकृति मिली। लोकपाल आंदोलन के अग्रदूत अन्ना हजारे और उनके सहयोगियों अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी और मनीष सिसोदिया को पुलिस ने 2011 में अनशन शुरू करने से पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया। कांगो में 2008 को तैनात 125 भारतीय पुलिस अफसरों के संयुक्त राष्ट्र शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता सेनानी, कवित्री, कहानीकार सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 को हुआ था। दूसरी लोकसभा के सदस्य टी गणपति का जन्म 1918 को हुआ था। भारतीय फिल्म अभिनेता सैफ अली खान का जन्म 1970 को हुआ था। हिंदी फिल्मों की मशहूर हीरोइन और UN की पॉपुलेशन फंड की गुडविल एम्बेसडर मनीषा कोयराला का जन्म 1970 को हुआ था। महान संत एवं विचारक रामकृष्ण परमहंस देव का निधन 1886 को हुआ था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी का निधन 2018 को हुआ। आज के दिन को पौंडीचेरी विलय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वार्ता में आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि दैनिक भास्कर द्वारा एक पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना का MI-171 हेलीकॉप्टर नाइजीरिया में क्रैश हुआ जिसमें 26 सैनिकों की मौत और 8 सैनिक घायल हुए। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है, क्रैश होने वाला हेलीकॉप्टर IAF-MCC का नहीं था। मोबाइल ही नहीं TV और PC पर भी ले सकेंगे नेटफ्लिक्स के गेम्स का मजा। नेटफ्लिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए एक नया अपडेट हो सकती है। नेटफ्लिक्स पर गेमर्स के लिए गेमिंग का अंदाज बदलने जा रहा है। दरअसल नेटफ्लिक्स अपने गेम लाइब्रेरी के एक्सेस को बढ़ा रहा है, यानी नेटफ्लिक्स यूजर्स दूसरे डिवाइस पर भी कंपनी की गेम लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकेंगे। मालूम हो कि नेटफ्लिक्स गेम लाइब्रेरी का एक्सेस पहले केवल iOS और एंड्रॉयड यूजर्स तक ही सीमित था। हालांकि अब कंपनी गेम लाइब्रेरी को एक्सेस TV, PC, Mac और वेब के साथ भी लाने की तैयारी कर रही है। फिलहाल कंपनी गेम लाइब्रेरी के एक्सेस को TV के लिए टेस्ट कर रही है। बाद में कंपनी PC और Mac पर भी गेम लाइब्रेरी को एक्सेस देगी। इन गेम्स को नेटफ्लिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए सपोर्टेड ब्राउजर के साथ खेला जा सकेगा। भारत के नागरिक बने फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार। बीते दिन मंगलवार को बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार के द्वारा अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए यह जानकारी दी गई है कि अब उन्हें भारत की नागरिकता मिल गई है। बता दें कि अक्षय कुमार की ओर से जो पोस्ट शेयर किया गया है उसमें गृह मंत्रालय की ओर से मिली नागरिकता प्रमाण पत्र की तस्वीर और पासपोर्ट की तस्वीर को डाला गया है और साथ ही कैप्शन लिखा गया है कि दिल और सिटीजनशिप दोनों हिंदुस्तानी, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, जय हिंद। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार के पास अब तक कनाडा की नागरिकता थी। उन्होंने अब तक भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं ली थी जिससे उन्हें कई बार ट्रोल भी होना पड़ा था। इसके अलावा कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने राष्ट्रपति को लेकर अक्षय कुमार के दिए गए बयानों पर आपत्ति जताई थी कि पहले वह भारत के नागरिक तो बन जाए। मोबाइल प्रोडक्शन में मेक इन इंडिया ने दिखाया कमाल।
लेटेस्ट रिसर्च से यह खुलासा हुआ है कि मेक इन इंडिया मोबाइल फोन शिपमेंट के दौरान वर्ष 2014 से वर्ष 2022 के दौरान 2 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे कि कुल 23% CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दर्ज की गई है। बता दें कि इस रिपोर्ट को लेकर रिसर्च डायरेक्टर तरुण पाठक के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि 2022 में समग्र बाजार में 98% से ज्यादा शिपमेंट मेक इन इंडिया के थे, जबकि 2014 में वर्तमान सरकार के सत्ता संभालने के समय यह केवल 19% था। उन्होंने बताया कि भारत में लोकल वैल्यू एडिशन वर्तमान में 8 साल पहले के निम्न एकल अंक की तुलना में औसतन 15% से अधिक है। वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम में सेवा कर ग्रेड सुधार सकेंगे बच्चे। गुरुकुल परंपरा की तरह स्कूलों में भी सेवा कर बच्चे अपना ग्रेड सुधार सकेंगे। बता दें कि इसके तहत बच्चों को सेवा करने के लिए 30 से अधिक क्षेत्र मिलेंगे जहां बच्चे स्कूल से बाहर जाकर काम कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि CBSE की ओर से 9वीं से कक्षा 12वीं तक के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम में सेवा को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए उन्हें A से E ग्रेड तक मिलेगा। मालूम हो कि इसे लागू करने के लिए स्कूलों को CBSE के द्वारा ऑनलाइन कार्यशाला कर ट्रेनिंग दी गई है। ऐसे में स्कूल को यह रिकॉर्ड बनाकर भेजना है कि बच्चों की सामाजिक स्तर पर क्या भूमिका रही, बच्चों ने अलग अलग लोगों या सामाजिक स्तर पर बदलाव के लिए किस तरह और क्या काम किया, बच्चे इससे कैसे जुड़े। इसके साथ ही बच्चों का पोर्टफोलियो भी CBSE को भेजना होगा। बता दें कि सेवा के तहत बच्चे कम से कम 50 पीरियड का काम करेंगे और फिर इससे मिले अंक की परीक्षा में जोड़े जाएंगे। भोजपुर के ये डॉक्टर हुए राष्ट्रीय नवरत्न अवार्ड से सम्मानित। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री अठावले रामदास के द्वारा बिहार के आरा के प्रसिद्ध दंत चिकित्सक प्रतीक को राष्ट्रीय नवरत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बता दें कि उन्हें यह पुरस्कार स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए दिया गया है। मालूम हो कि इससे पहले भी डॉक्टर प्रतीक को विभिन्न संस्थानों से अवार्ड और सम्मान मिल चुके हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन की ओर से भी बेहतर स्वास्थ्य कार्य के लिए गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। बता दें इस पुरस्कार को लेकर लोकल 18 से बात करते हुए डॉक्टर प्रतीक के द्वारा बताया गया कि इस अवार्ड के लिए क्राइटेरिया के तहत सर्वे किया जाता है, जिसमें इलाज के साथ मरीजों के प्रति डॉक्टर की जवाबदेही को भी देखा जाता है। राहुल खड़गे से मिलेंगे बिहार झारखंड के कांग्रेस नेता। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की ओर से अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी गई है। एक तरफ जहां बीजेपी नेता अपनी पूरी ताकत से काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोशिश से बनी गठबंधन इंडिया के द्वारा भी काम करने में कोई कोताही नहीं बरती जा रही। सभी दल अपनी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे। इसी कड़ी में आज यानी कि 16 और 17 अगस्त को बिहार और झारखंड के कांग्रेस नेता आगामी चुनाव की रणनीति तैयार करने को लेकर दिल्ली जाने वाले हैं, जहां उनकी मुलाकात कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से होगी। बता दें कि इस बैठक को 2024 चुनाव के लिए काफी अहम माना जा रहा है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4373 ग्राम पंचायतों में CSP प्लस बैंकिंग आउटलेट खोलने की घोषणा की है। ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी झारखंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उड़ीसा। अगला सवाल, हाल ही में किस किस देश ने द्विपक्षीय संबंधों व्यापार पर विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया है। ऑप्शन ए भारत अंगोला, ऑप्शन बी भारत रूस, ऑप्शन सी भारत ईरान, ऑप्शन डी भारत अमेरिका। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए भारत अंगोला है। अगला सवाल, हाल ही में घोषणा की गई है कि भारत में कितने और हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा सुविधा शुरू की जाएगी। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 6। अगला सवाल, मैगसिनिस द्वारा इंडिका में उल्लेखित 4 नगरों में बिहार का कौन सा नगर था। ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी राजगीर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पाटलिपुत्र।
अगला सवाल, यूनानी राजदूत मेगस्थनीस किसके दरबार में रहता था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन डी अशोक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है संजीव सिंह, सदुल्लाह पलवी, उमेश ऋषिदेव, फातिमा खातून, धीरज मेहता, धनंजय कुमार, नन्नू गोलू कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, धनु प्रिया, अंशुप्रिया, अनवर करीम खान, नौशद अंसारी, अमृता कुमारी, उदय कुमार पासवान, बाबूलाल मरांडी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र के मौसम की क्या स्थिति है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।